नमस्कार, टारगेट विद आलोक ऑनलाइन इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। मैं हूं विवेक मिश्र। 8 PM न्यूज बुलेटिन में सबसे पहले आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना। आपको मालूम है कि संघ लोक सेवा आयोग ने IAS 2021 की प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के लिए तारीखों को घोषित कर दिया है। अब ऐसे में देखा जाए तो ठीक 9 महीने का ही समय आपके पास तैयारी के लिए सुरक्षित है। IAS और PCS परीक्षाओं के लिए प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के लिए सामान्य अध्ययन एक विस्तृत चुनौती के रूप में है। श्रेष्ठ शिक्षकों की टीम के साथ टारगेट विद आलोक इंस्टीट्यूट में IAS और PCS टारगेट ऑनलाइन बैच में कक्षाएं 15 सितंबर से प्रारंभ हो रही हैं, जिसके लिए 9 महीने की अवधि निर्धारित की गई है। हम सिर्फ पढ़ाते नहीं बल्कि प्रशासनिक अधिकारी की तरह सोचने की क्षमता भी विकसित करते हैं, जिससे बेहतर तरीके से कम समय में प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के लिए सामान्य अध्ययन को तैयार किया जा सके। आलोक सर के कुशल निर्देशन में 1150 घंटे की कक्षा सटीक रणनीति के साथ देश के सर्वश्रेष्ठ विशेषज्ञों की टीम एक मंच पर न्यूनतम शुल्क में। हमारे कक्षा कार्यक्रम के तहत प्रारंभिक परीक्षा में सामान्य अध्ययन और सीसेट, मुख्य परीक्षा में सामान्य अध्ययन और निबंध शामिल है। इसके अंतर्गत प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के लिए सभी टॉपिक का विस्तृत कवरेज होगा। सभी टॉपिक अंतर विषयक समझ के साथ मुख्य परीक्षा के लिए तैयार कराया जाएगा। प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के लिए अलग अलग हस्तलिखित और सारगर्भित नोट्स, सीसेट की कक्षाओं का संपूर्ण कार्यक्रम, अखिल भारतीय स्तर पर टेस्ट सीरीज सुविधाएं। इस बैच में प्रवेश लेने के लिए 9918000454 पर एंट्री IAS लिखकर व्हाट्सएप करें। हमारे इस बैच से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। और अब खबरों की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आज की हेडलाइंस पर एक नज़र। यूपी में विशेष सुरक्षा बलों को बिना वारंट की गिरफ्तारी का होगा अधिकार। पुख्ता सबूत होने पर ही कार्यवाही को अंजाम देने का निर्देश। सरकार को विरोधियों को प्रताड़ित करने में होगी सहूलियत। मानवाधिकार संगठनों ने भी व्यक्त की चिंता। श्रीलंका में 20वें संविधान संशोधन के लिए पेश हुआ प्रस्ताव। 19वें संविधान संशोधन को निरस्त करना है मकसद। भारत के साथ संबंधों पर भी पड़ेगा असर। तो चलिए अब बड़ी खबरों के साथ आज के बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। यूपी में कानून व्यवस्था को सुधारने और अपराधियों को सबक सिखाने के लिहाज से हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने विशेष सुरक्षा बल के गठन की अधिसूचना जारी कर दी है। योगी सरकार का यह सुरक्षा बल किसी भी व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार करने, तलाशी लेने और ऐसे ही तमाम असीमित अधिकारों का उपयोग करेगा। इन विशेष सुरक्षा बलों की तैनाती शुरुआत में सरकारी इमारतों, धार्मिक स्थलों जैसे महत्वपूर्ण स्थानों पर होगी, लेकिन निजी क्षेत्रों के प्रतिष्ठान और कंपनियां भी एक निश्चित शुल्क देकर इनकी सेवाएं लेने के योग्य होंगे। गौरतलब है कि बीते 26 जून को राज्य में महत्वपूर्ण भवनों और अन्य अवसंरचनाओं की सुरक्षा के लिए उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल या उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्सेस यानी UPSSF के गठन का निर्णय लिया गया था। आपको बता दें कि यूपी सरकार द्वारा इस विशेष बल के स्थापना का यह निर्णय इलाहाबाद उच्च न्यायालय के दिसंबर 2019 के एक आदेश के बाद लिया गया। इस मामले में माननीय न्यायालय ने राज्य में सिविल न्यायालयों की सुरक्षा को लेकर चिंता व्यक्त की थी। उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल की स्थापना उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल अधिनियम 2020 के तहत किया जाएगा। इस बल का एक अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक स्तर का अधिकारी होगा। इस सुरक्षा बल के पहले चरण में 5 बटालियनों का गठन किया जाना प्रस्तावित है। UPSSF के अधिकारियों और अन्य सदस्यों की भर्ती उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती तथा प्रोन्नति बोर्ड द्वारा की जाएगी। यूपी के अपर मुख्य सचिव ने कहा कि इस सुरक्षा बल के पास किसी मजिस्ट्रेट के आदेश या बिना किसी वारंट के किसी व्यक्ति की तलाशी लेने या उसे गिरफ्तार करने का अधिकार होगा।
गौरतलब है कि CISF एक्ट 1968 के सेक्शन 11 के तहत व्यवस्था है कि CISF का कोई भी सदस्य बिना किसी मजिस्ट्रेट के आदेश या वारंट के ऐसे किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है जो किसी कर्मचारी या CISF के किसी सदस्य को स्वेच्छा से चोट पहुंचाता है या प्रयास करता है या उसके कार्य में बाधा डालता है। इसके साथ ही CISF एक्ट 1968 के सेक्शन 12 के तहत कुछ मामलों में CISF के सदस्यों को बिना किसी मजिस्ट्रेट के आदेश या वारंट के किसी भी व्यक्ति की तलाशी लेने की भी शक्ति प्राप्त है। ऐसे में इस सुरक्षा बल को लेकर मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने चिंता व्यक्त की है। आपको बता दें कि CISF का गठन CISF एक्ट 1968 के तहत 10 मार्च 1969 को किया गया था। CISF की कुल 12 बटालियन देश की औद्योगिक इकाइयों, सरकारी अवसंरचना परियोजनाओं और अन्य प्रतिष्ठानों को सुरक्षा प्रदान करते हैं। UPSSF के जवानों के पास किसी भी कार्यवाही को अंजाम देने के लिए पुख्ता सबूत होना आवश्यक होगा। अधिनियम के मुताबिक ऐसे किसी भी कार्यवाही में सुरक्षा बल के अधिकारी या सदस्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं कराया जा सकता, और तो और सरकार की इजाज़त के बगैर न्यायालय भी UPSSF के किसी भी सदस्य के खिलाफ किसी अपराध का संज्ञान नहीं लेगा। विपक्ष का मानना है कि राज्य सरकार UPSSF का गठन इसलिए कर रही है ताकि अपने विरोधियों पर अपने ही इशारे पर मनमानी कार्यवाही कर सके और लोगों को प्रताड़ित कर सके। इस व्यवस्था से एक बात तो साफ है कि इस अधिनियम से आदमी UPSSF के अधिकारी या सिपाही का गुलाम हो जाएगा। हाल ही में श्रीलंका सरकार ने 20वें संविधान संशोधन के लिए प्रस्ताव पेश किया है, जिसे सत्तारूढ़ दल के भीतरी कलह का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल श्रीलंका सरकार 20वें संविधान संशोधन के माध्यम से साल 2019 के 19वें संविधान संशोधन को बदलना चाहती है। इस संविधान संशोधन को लेकर भारत भी चिंतित है, क्योंकि अगर यही परिस्थितियां रहीं तो भविष्य में श्रीलंका सरकार 13वें संविधान संशोधन को भी समाप्त कर सकती है। 20वें संविधान संशोधन के मसौदे को 2 सितंबर को श्रीलंका सरकार ने पेश किया था, जिसके माध्यम से राष्ट्रपति पद की शक्तियों पर अंकुश लगाने वाले 19वें संविधान संशोधन के कुछ प्रावधानों को बदलने के लिए विधायी प्रक्रिया शुरू हो गई है। श्रीलंका सरकार द्वारा प्रस्तावित 20वें संविधान संशोधन में संवैधानिक परिषद को संसदीय परिषद के साथ बदलने का प्रावधान किया गया है। वर्तमान में लागू नियमों में व्यवस्था है कि संवैधानिक परिषद के निर्णय राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी हैं, लेकिन प्रस्तावित संसदीय परिषद के निर्णय को मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं है। संशोधन के जरिए मंत्रिमंडल और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति और बर्खास्तगी के लिए प्रधानमंत्री की सलाह की आवश्यकता को हटा दिया गया है। ऐसे में अब श्रीलंका में प्रधानमंत्री की बर्खास्तगी संसद के विश्वास पर नहीं बल्कि राष्ट्रपति के विवेक पर निर्भर करेगी। प्रस्तावित संविधान संशोधन में राष्ट्रपति को कुछ सीमित परिस्थितियों के अलावा संसद की 1 वर्ष की अवधि के बाद उसे भंग करने के संबंध में निर्णय लेने की शक्ति दी गई है। आसान भाषा में कहें तो संसद की 1 वर्ष की अवधि की समाप्ति के बाद राष्ट्रपति उसे किसी भी समय भंग कर सकता है। इतना ही नहीं, किसी भी विधेयक को संसद के समक्ष पेश करने से पूर्व आम जनता के लिए प्रकाशित करने की अवधि को भी 14 दिन से घटाकर 7 दिन कर दिया गया। इन प्रावधानों को मद्देनजर रखते हुए इस संशोधन की आलोचना की जा रही है। दिसंबर 2019 में ही राष्ट्रपति गोतबाया राजपक्षे ने 19वें संविधान संशोधन को समाप्त करने पर जोर दिया था। गौरतलब है कि श्रीलंका में 19वें संविधान संशोधन के जरिए राष्ट्रपति की शक्तियों को सीमित किया गया और स्वतंत्र संस्थाओं को मजबूत किया गया। 13वां संविधान संशोधन पूरे श्रीलंका में एक निर्वाचित प्रांतीय परिषद की प्रणाली प्रस्तुत करता है। 13वें संविधान संशोधन के प्रावधानों को हटाने के लिए श्रीलंका के तमिल अल्पसंख्यकों के लिए बड़ा खतरा उत्पन्न हो सकता है। और अब अंत में कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों पर एक नज़र।
राज्यसभा के उपसभापति के चुनाव में एनडीए प्रत्याशी हरिवंश सिंह लगातार दूसरी बार राज्यसभा के उपसभापति चुने गए। हरिवंश के नाम से लोकप्रिय हरिवंश नारायण सिंह ने विपक्ष के साझा उम्मीदवार मनोज झा को पराजित किया। मनोज झा राष्ट्रीय जनता दल के सांसद हैं। आपको बताते चलें कि मनोज झा को 12 विपक्षी पार्टियों ने अपना संयुक्त उम्मीदवार बनाया था। कोविड-19 के चलते तमाम बदलावों के साथ हो रहे इस मानसून सत्र में चुनावी ध्वनिमत से कराया गया। वहीं जेडीयू नेता हरिवंश नारायण सिंह पहली बार 8 अगस्त 2018 को उपसभापति चुने गए थे। उनका राज्यसभा का कार्यकाल अप्रैल 2020 को खत्म हो गया था। इसके बाद वह दोबारा राज्यसभा सांसद के तौर पर चुने गए। 64 वर्षीय हरिवंश नारायण सिंह ने अर्थशास्त्र में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। इससे पहले वह प्रभात खबर के चीफ एडिटर भी रह चुके हैं। योशीहिदे सुगा को सोमवार को जापान की सत्तारूढ़ पार्टी का नया नेता चुना गया और इसके साथ ही अब उनके प्रधानमंत्री बनने का रास्ता लगभग साफ हो गया है। प्रधानमंत्री शिंजो आबे के उत्तराधिकारी को चुनने के लिए हुए आंतरिक मतदान में सुगा को सत्तारूढ़ लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी में 377 मत प्राप्त हुए, जबकि अन्य दो दावेदारों को 157 वोट हासिल हुआ। आबे ने पिछले महीने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देकर अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। वर्तमान में मुख्य कैबिनेट सचिव और आबे के करीबी माने जाने वाले सुगा की जीत तय मानी जा रही है, क्योंकि लिबरल डेमोक्रेट्स का सत्तारूढ़ गठबंधन में बहुमत है। नेता चुने जाने के बाद सुगा ने कहा कि उनकी शीर्ष प्राथमिकताएं कोरोना वायरस से लड़ाई लड़ना और इस महामारी से प्रभावित हुई अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना है। जापान की स्टार महिला टेनिस खिलाड़ी नाओमी ओसाका ने यूएस ओपन का महिला एकल खिताब जीत लिया है। आर्थर एस स्टेडियम में खेले गए फाइनल मैच में ओसाका ने बेलारूस की विक्टोरिया अजारेका को शिकस्त दी। पहले सेट में पिछड़ने के बाद ओसाका ने जबरदस्त वापसी किया। ओसाका ने अजारेका को 1-6, 6-3 और 6-3 से हराया। यूएस ओपन के महिलाओं के सिंगल्स का यह फाइनल मुकाबला यूएसटीए बिली जीन्स किंग नेशनल टेनिस सेंटर में खेला गया। महज 22 साल की ओसाका का यह दूसरा यूएस ओपन और ओवरऑल तीसरा ग्रैंड स्लैम खिताब है। वहीं अजारेंका तीसरी बार फाइनल में पहुंची थी, लेकिन उन्हें इस बार भी हार का सामना करना पड़ा। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने स्टार्टअप को बढ़ावा देने वाले राज्यों की रैंकिंग 11 सितंबर को जारी किया। इस सूची में गुजरात को सर्वश्रेष्ठ राज्य, वहीं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को सर्वश्रेष्ठ केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। इसके साथ ही इस सूची में कर्नाटक और केरल को भी श्रेष्ठ राज्य घोषित किया गया। आपको बताते चलें कि सरकार ने युवाओं को स्वरोजगार देने के लिए स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत किया था। इसका मकसद देश में उभरते उद्यमियों को बढ़ावा देना है। इसका लक्ष्य स्टार्टअप को टैक्स में छूट और इंस्पेक्टर राज मुक्त व्यवस्था देना भी है। इसी के साथ ही भारत दुनिया में सबसे बड़ा दूसरा स्टार्टअप इकोसिस्टम वाला देश बन गया है। सरकार ने बैंकों से ऋण लेने वालों को राहत देने के आकलन के लिए 3 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। पूर्व नियंत्रक और महालेखा परीक्षक राजीव महर्षि इस समिति के अध्यक्ष होंगे। यह समिति कर्जदारों को ब्याज से राहत देने और कोविड-19 के कारण ऋण स्थगन करने से राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था और वित्तीय स्थिरता पर पड़ने वाले प्रभाव का आकलन करेगी। साथ ही इस संबंध में समाज के विभिन्न वर्गों को होने वाली वित्तीय मुश्किलें कम करने के उपाय भी सुझाएगी। समिति 1 सप्ताह में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। यह कदम ब्याज में छूट की राहत मांगने पर और अन्य संबंधित मुद्दों पर उच्चतम न्यायालय में चल रही सुनवाई में व्यक्त की गई विभिन्न चिंताओं के बाद उठाया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI ने बैंकों को एक मुख्य अनुपालन अधिकारी यानी CCO की अध्यक्षता में स्वतंत्र कॉरपोरेट अनुपालन तंत्र की स्थापना करने के लिए निर्देश दिए हैं, जो कि प्रभावी ढंग से अनुपालन जोखिम के प्रबंधन का कार्य करेगा।
आरबीआई द्वारा दिए गए निर्देश के अनुसार बैंक द्वारा सीसीओ की नियुक्ति कम से कम 3 वर्ष की अवधि के अस्थायी कार्यकाल के लिए किया जाएगा। सीसीओ को केवल असाधारण परिस्थितियों में पूर्व निर्धारित और पारदर्शी प्रक्रिया का पालन करके ही उसके पद से हटाया जा सकता है। यदि किसी बैंक ने पहले से ही सीसीओ नियुक्त कर रखा है तो उसे आगामी 6 माह के भीतर नए नियमों के तहत सीसीओ की नियुक्ति करनी होगी। फिलहाल 8 PM के इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा हमको ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी तैयारी को एक नई दिशा देने के लिए जुड़े रहिए टारगेट विद आलोक ऑनलाइन इंस्टीट्यूट से। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।